जुड़ी थी बताया जाए हम लोग क्या देख रहे थे। कॉन्टेक्ट सर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तक हो गया था सर, किसी स्विचिंग तक भी हो में। गया था। और देखो आज तुम लोग का सीनियर बैच का एग्जाम था, सेकेंड ईयर का बीसीए का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा है पीसीबी, व्हाट इज पीसीबी, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ पीसीबी। एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब क्या, पीसीबी का क्या क्या कंपोनेंट होता है ना। यस हाँ सेकेंड ईयर में देखो, नहीं फर्स्ट ईयर, तो अभी सेकेंड ईयर में उन लोग चल रहा है ना, तो सेकेंड ईयर का तो उन लोग का क्लास स्टार्ट था, एग्जाम ये हुआ तो फिर बंद हो गया, तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा है। तो देखो क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, एक मिनट बताते हैं। सेकेंड यूनिट टू, देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान से सुनो। व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, डिस्क्राइब द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पीसीबी। तो कल प्रीवियस क्लास में ही आप लोग को बताया है पीसीबी क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, उसके अंदर जितना भी एट्रीब्यूट्स था क्या क्या एट्रीब्यूट्स होगा, इनको प्रोसेस क्या क्या आईडी साउंड आ नेम रहा है। माइक ऑफ रखो, साउंड आ रहा है। सर, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नेम, हाँ वेरी प्रोसेस गुड, स्टेट, मेमोरी हाँ यूनिट, रजिस्टर, बिल्कुल 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 फाइल बिल्कुल, मैनेजमेंट। हाँ तो वही चीज आपको लिखना है, ठीक है। यस सर, बाकी इसमें कितना टाइप्स नंबर ऑफ पूछा है सर क्वेश्चन? ये क्या, कितना नंबर में पूछा है सर? एक टेन क्वेश्चन आपको पूछा है 10 नंबर का, लॉन्ग यस में सर। पूछा है 10 नंबर। तब फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा नहीं सर, हाँ विथ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हाँ उसमें डायग्राम के पीसीबी साथ। क्या होता है, पीसीबी का वो जो स्ट्रक्चर था फोटो वो बना यस सर, देना, यस सर, और फिर प्रोसेस उसका सारे एट्रीब्यूट्स को लिख देना ना, प्रोसेस आईडी क्या होता है, प्रोसेस नेम क्या यस होता सर। है, जैसे लिखा हुआ है ना। सर ये कॉन्टेक्स्ट अभी टेक्स्ट जो है तो सर, ये कंटेक्स्ट स्विचिंग स्विचिंग भी पूछ दिया, ये देखो कंटेक्स्ट स्विचिंग पूछ दिया, देखो प्रोसेस स्विचिंग करके, देखो दो यस सर। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री आउट ऑफ द फ्लोइंग फोर टर्म्स, चार टर्म दिया हुआ है। प्रोसेस स्विचिंग, प्रोसेस स्विचिंग यस कहने का मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग ही होता है ना। सर, और देखो दूसरा है बाइनरी सेमाफोर, तीसरा है डेडलॉक कंडीशन, और फोर्थ है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक देखो, अभी तो ये दूसरे चैप्टर का है, तो प्रोसेस स्विचिंग पूछ दिया। अगला बार जरूर पूछेगा तुम्हारा प्रोसेस स्टेट, पीसीबी नहीं पूछेगा लेकिन प्रोसेस स्टेट जरूर पूछेगा, जो उसका यस और सर, लाइफ साइकिल को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए सभी लोग, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलो सर हम पूछ रहे थे कि जितना कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई करवा रहे हो, सबका एक ही में एग्जाम हुआ कि अलग अलग पेपर होता है? फिर से एक बार रिपीट करो। सर हम बोल रहे हैं जैसे कि आपने पढ़ा रहे हैं, क्या जो भी सब सर पढ़ा रहे पूछ हैं रहे हैं उसमें सर, सिस्टम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर और सर ये फंडामेंटल का, तीनों में एक ही में एग्जाम होगा सर या अलग अलग? नहीं, दो देखो बता देते दो हैं। दो अच्छा पेपर होता है, दो पेपर। हाँ बता देते हैं, ये अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा जो ऑनर्स पेपर 1 है, और ऑनर्स पेपर क्या है, 2 है, टू तो ऑनर्स पेपर में जो तुम्हारा रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारा ये पेपर टू में, ये पेपर टू का एग्जाम हुआ है, पेपर वन का नहीं हुआ है, ठीक है, पहले पेपर टू का ले लिया है। तो ऑनर्स टू में तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और फॉक्स प्रो होगा। एक में क्या होगा, एक पेपर में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन और फॉक्स प्रो, फॉक्स प्रो का क्वेश्चन होगा। फॉक्स प्रो चल रहा है ना तुम लोग का, यस सर हाँ, चल रहा है। तो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ फॉक्स प्रो से होगा, ठीक है, एक पेपर। और दूसरा पेपर जो तुम्हारा होगा उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहेगा, और क्या है, कंप्यूटर कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, यस सर, यस कंप्यूटर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर रहेगा, और बुलियन है, नहीं सर। हाँ तो वही वो दो पेपर रहेगा। सर ओएस कहाँ जाएगा? ओवेस ही तो हम अभी ओएस में बोले तो जी, बोले ना, ओवेस और यस फॉक्स बोले प्रो तो एक होगा, ऑनर्स 1 में, हाँ और फॉक्स प्रो।
ऑपरेटिंग सिस्टम और फॉक्स प्रो, ये हो गया सेकेंड ऑनर्स है। हाँ सेकेंड ऑनर्स है, और फर्स्ट ऑनर्स में कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्यू बेसिक, हाँ वही क्यू बेसिक, तीन चीज, क्यू बेसिक हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया और कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया। क्लियर? यस सर। ये हमेशा याद रखना, इसको नहीं तो याद नहीं रहेगा, या दिमाग में बैठा लो या लिख लो, ठीक है। ऑनर्स वन में, ऑनर्स वन में तीन पेपर रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्यू बेसिक में था, क्यू बेसिक, और सेकंड में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और ऑनर्स टू में क्या रहेगा, फॉक्स प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए चलिए सर, क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन को सर सेंड कीजिएगा सर डील करने के लिए। अच्छा मैं भेज देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ पे। यहाँ पे ऑनलाइन हैंड रिटन नोट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम लोग को ये पढ़ना है। देखिए देखो यहाँ पर एक चीज होता है, मैंने बोला था कि प्रोसेस क्या होता है, ध्यान दो, प्रोसेस क्या होता है, तो मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। सिस्टम पे जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वो प्रोसेस होता है। अब एक दूसरा टर्म है थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, ठीक है, ध्यान दो, थ्रेड क्या होता है, तो हमेशा क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, प्रोसेस एंड थ्रेड में क्या है डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूं कि थ्रेड क्या होता है। कहा जाता है कि द पार्ट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड, द पार्ट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड, ठीक है। तो Any single process can be divided into multiple parts. कोई भी एक single process है, कोई भी एक single process है और उसको more than one part में तुम divide करो, ठीक है, उसका part क्या कहलाएगा, thread कहलाएगा। अगर हम कहें कि a single thread, ध्यान दो, a single process can be divided into multiple parts, that part is called thread. So we can say that thread is the part of process. Process. Thread किसका part हुआ? Process का. आप process. एक single process को more than one part में divide कर दे रहे हो, तो वो part क्या कहलाएगा? Thread कहलाएगा. ठीक है? और तुम कह सकते हैं कि thread किसका part है? Process का part है. Process का. ठीक है? जैसे तुम देखते हो कि MS Word जैसे start करते हो. तो एमएस वर्ड आप स्टार्ट करते हैं, तो एमएस वर्ड स्टार्ट करना एक प्रोसेस है। अब उस एमएस वर्ड का, उस एमएस वर्ड का इंटरनली मोर देन वन प्रोसेस डिवाइड रहता है, इंटरनली मोर देन वन पार्ट में डिवाइड रहता है। जैसे जैसे अगर तुम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हो तो देखते हो एक स्पेलिंग चेकिंग होता है, जो भी गलत लिखोगे वर्ड में वो अंडरलाइन का हो जाएगा। अगर जो एमएस वर्ड जानते होंगे वो देखे होंगे, yes, sir, अगर yes. कोई वर्ड गलत ऐसा लाल हो जाता है सर नीचे, हाँ, रेड कलर ग्रामर का, के लिए रेड कलर का ग्रामर वाला अलग होता है, हाँ, रेड कलर और ग्रीन कलर का वो हो जाता है, ठीक है, सब ब्लू होता है, हाँ। तो और फिर दूसरा चीज क्या होता है कि
दूसरा चीज क्या होता है कि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस का अगर फर्स्ट कैरेक्टर वर्ड लिखोगे तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाता है, कैपिटलाइज किया रहता है। हाँ, और कभी ऐसा भी होता है कि कोई वर्ड लिखते हो गलत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक yes, है, जिसको ऑटो करेक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस का एट ए टाइम मल्टीपल पार्ट्स जब एक साथ एग्जीक्यूट करता है तो उसी टर्म को क्या कहते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स। वहां पे मोर देन वन थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करता है उस टर्म को जानते हो क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। उस टर्म को क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। जब किसी भी सिंगल प्रोसेस का मोर देन वन पार्ट एक साथ एग्जीक्यूट करता है तो वो कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। जैसे अगर एमएस वर्ड एक प्रोसेस है तो उसका इंटरनली मोर देन वन पार्ट में जो डिवाइड किया गया है उसी को कहते हैं थ्रेड, और मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है। जब एमएस वर्ड में तुम रिज्यूम बना रहे हो तो एक तो लिखने का थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, एक लिखने का थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेकिंग हो रहा है वहां पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, दूसरा कोई भी वर्ड लिखोगे ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज थ्रेड, तो तुम बता सकते हो कि एनी सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड थ्रेड। सो वी कैन से दैट थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। थ्रेड किसका पार्ट हुआ, प्रोसेस का पार्ट हुआ, प्रोसेस, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पढ़ो इसको, ए प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड थ्रेड। ए थ्रेड इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस। थ्रेड एक सिंपलेस्ट यूनिट है प्रोसेस का। इट इज आल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। इसको हम लोग थ्रेड को क्या कहते हैं, लाइट वेट प्रोसेस। अब मैं समझाता हूँ, प्रोसेस और थ्रेड में एक मेजर डिफरेंस है कि थ्रेड को कहा जाता है लाइट वेट प्रोसेस, और थ्रेड को कहा जाता है लाइट वेट प्रोसेस, और प्रोसेस को कहा जाता है हैवी वेट प्रोसेस, ठीक है। तो हैवी वेट प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज का नीड होता है, ठीक है। रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या, रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या, मेमोरी हो गया, सीपीयू टाइम हो गया, यानी एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लार्ज अमाउंट में जो रिसोर्सेज का नीड होता है, इसी कारण से प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी वेट प्रोसेस बोला जाता है, और थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। लाइट का मतलब कम, क्योंकि थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कम रिसोर्सेज का नीड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं। क्यों कम नीड होता है इसको, क्योंकि थ्रेड किसका पार्ट है, प्रोसेस का, प्रोसेस का पार्ट है। यही है टर्म थ्रेड, ठीक है। चलिए सर, थ्रेड का सर मल्टीपल वो क्या बोलते हैं सर, मल्टी थ्रेडिंग, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। जब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। तुम कह सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग इज ए टेक्निक, तुम कह सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग इज ए टेक्निक इन विच मल्टीपल थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग या इसको क्या कहते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। अब आपके पास प्रोसेस शेड्यूलिंग कहने का मतलब क्या, कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आपको शेड्यूल करना है, उस प्रोसेस को क्या करना है, शेड्यूल करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस को शेड्यूल करने का मतलब क्या, एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको क्या किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है, और यही टेक्निक, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है, या सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है,
क्या कहलाता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है या सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है, ठीक है? पढ़ो तो पढ़िए, प्रोसेस शेड्यूलिंग इज ए टेक्निक, प्रोसेस शेड्यूलिंग एक प्रकार का टेक्निक है इन विच वी डिटरमाइन द नेक्स्ट प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक टेक्निक होता है जिसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के पास क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। नंबर ऑफ प्रोसेस को शेड्यूल करने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो उसका एक शेड्यूल तैयार होता है और उस शेड्यूल के अनुसार एक एक करके प्रोसेस को सीपीयू के पास क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है, भेजा जाता है, सबमिट किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है या सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है, ठीक है? और मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्रोसेस शेड्यूलिंग में ये काम कौन करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में ये काम करता है शेड्यूलर। जैसे आपका रूटीन जो बना है, तो जो शेड्यूल बना है क्लास का, तो कोई ना कोई तो बनाए होंगे, ठीक है? जैसे शेड्यूल सिंटू सर बनाते हैं, तो सिंटू सर यहाँ पे शेड्यूलर हो गए, जो आपको शेड्यूल बनाकर देते हैं और उस शेड्यूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, शेड्यूल के अनुसार ही ना आपका क्लास होता है। यस सर। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में जो प्रोसेस को शेड्यूल किया गया है वो किसके द्वारा शेड्यूल किया गया है, शेड्यूलर के द्वारा शेड्यूल किया गया है। शेड्यूलर के द्वारा रूटीन बनाया गया है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास कब सबमिट होगा, कब नहीं होगा, ये डिसाइड करता है शेड्यूलर। और ये शेड्यूलर डिसीजन किसके थ्रू लेता है, ये शेड्यूलर डिसीजन किसके थ्रू लेता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोसेस शेड्यूलर कौन होता है? एक प्रोग्राम है। प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है, एक प्रोग्राम है। जैसे कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है ना, जो कंपाइल करता है, जो पूरे हाई लेवल सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो प्रोसेस को शेड्यूल करता है और सीपीयू के पास क्या करता है, सबमिट करता है, ठीक है? देखो पढ़ो, लिखा हुआ है, इन दिस केस ए शेड्यूलर इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम दैट सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम क्यू। क्यू से प्रोसेस को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। क्यू कहने का मतलब क्या, क्यू कहने का मतलब एक लाइन, क्यू कहने का मतलब एक लाइन। नंबर ऑफ प्रोसेस कहां स्टोर रहते हैं, क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस कहां स्टोर रहता है, क्यू में। सर लाइन ऑफ रखो, क्यू में, क्यू के बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, माइक को ऑफ रखिए, ठीक है? तो मेरा प्रश्न ये था कि नंबर ऑफ प्रोसेस जो स्टोर रहेगा वो क्यू में रहता है। क्यू एक प्रकार का कंटेनर है, क्यू एक प्रकार का कंटेनर है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस क्या रहता है, स्टोर रहता है। वहां पे शेड्यूलर क्या करता है, क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और सीपीयू के पास क्या करता है, सबमिट करता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। और शेड्यूलर का जानते हो, शेड्यूलर को दूसरे नाम से हम लोग डिस्पैचर के नाम से जानते हैं। डिस्पैचर कहने का मतलब क्या, जो डिस्पैच करता है। जैसे आपको कोई कुरियर भेजना रहता है तो आप कुरियर को क्या करते हो, डिस्पैच करवाते हो, डिस्पैच किया जाता है ना। डिस्पैच कहने का मतलब क्या, भेजना, पैक करके उसको डिस्पैच कर देना, समझ रहे हो ना डिस्पैचर का मतलब। यस सर। डिस्पैच करना, नाम सुने होंगे, किसी चीज को डिस्पैच करना, पैक करके उसको सेंड कर देना। तो शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या है, शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या है, डिस्पैचर। हमेशा याद रखना, शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज डिस्पैचर। जैसे अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बताया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को अभी दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्विचिंग। हाँ, प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्विचिंग बोलते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, या कॉन्टेक्स्ट चेंज। हाँ, कॉन्टेक्स्ट चेंज भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो आप समझ गए प्रोसेस शेड्यूलिंग या सीपीयू शेड्यूलिंग। यस सर, अच्छे से। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, प्रोसेस शेड्यूलिंग एक प्रकार का टेक्निक है
प्रोसेस शेड्यूलिंग एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसमें क्या होता है कि एक एक करके प्रोसेस को सीपीयू के पास क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है, भेजा जाता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो इस प्रोसेस शेड्यूलिंग में कौन काम करता है, शेड्यूलर काम करता है। शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है जो क्यू में रखे हुए प्रोसेस को, क्यू में जितने भी प्रोसेस रखे गए हैं उस प्रोसेस को एक एक करके सिलेक्ट करके सीपीयू के पास क्या करता है, सबमिट करता है और फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। यही काम होता है शेड्यूलर का, राइट? यस सर। और शेड्यूलर को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, डिस्पैचर के नाम से। डिस्पैचर। नोट्स आप लोग बनाते जाइए, ठीक है, हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाते जाइए। बनाते हैं हर सब्जेक्ट का रोज, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्यू इन प्रोसेस शेड्यूलिंग, ध्यान दो, प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्यू, प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्यू, क्यू का रोल, ठीक है। और देखो BSCIT का जो एग्जाम हुआ है, BCA की बात हम नहीं कर रहे हैं, BSCIT का भी आज एग्जाम हुआ है, तो BSCIT में जानते हो प्रोसेस शेड्यूलिंग पूछा है एल्गोरिथम, उसमें जो आप इस चैप्टर में पढ़िएगा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो हो सकता है कि अगला बार PPU मगध यूनिवर्सिटी से स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मगध यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा पाटलिपुत्र जो यूनिवर्सिटी है इस बार पैटर्न को बिल्कुल चेंज किया है, तो इसलिए मेहनत कीजिए, ठीक है, अभी से ही आपको मेहनत करना है। तो देखो, तो यहाँ पे क्यू इन प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्यू क्या होता है, क्यू इज ए कंटेनर, क्यू एक प्रकार का क्या है, कंटेनर है, That consist of multiple process, जो more than one process को क्या करता है, रखता है। क्यू एक प्रकार का कंटेनर है, ठीक है, that consist of multiple, अपना दम लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो बिल्कुल लैंग्वेज समझ में आता है ना, यस हाँ, तो ये बुक का, बुक का कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा सर, बिल्कुल समझ में आता है टोटल, बिल्कुल बुक से बेटर समझ में आ रहा है इसमें से, बिल्कुल। क्यू इज ए कंटेनर दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, क्यू एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें मल्टीपल प्रोसेस रहता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्यू, तीन तरह का क्यू होता है। अभी मैंने बोला ना कि क्यू में क्या स्टोर रहता है, प्रोसेस, तो प्रोसेस जो क्यू में रहता है वो क्यू का कितना टाइप होता है, तो क्यू का तीन टाइप होता है, देखो कौन कौन। एक है आपका जॉब क्यू, जिसको हम लोग इनपुट क्यू भी बोलते हैं या एडमिशन क्यू भी बोलते हैं। एक होता है जॉब क्यू, जॉब क्यू या इनपुट क्यू या एडमिशन क्यू बोलते हैं। जॉब क्यू को इनपुट क्यू भी बोला जाता है, एडमिशन क्यू भी बोला जाता है। दूसरा है रेडी क्यू, दूसरा है रेडी क्यू, और थर्ड क्या है, डिवाइस क्यू, या इसको वेटिंग क्यू बोलते हैं। डिवाइस क्यू को क्या बोलते हैं, वेटिंग क्यू। आपको मालूम है ना कि कोई प्रोसेस वेटिंग मोड में चला जाता है, वेटिंग मोड में, कोई प्रोसेस जब वेटिंग मोड में चला जाता है, तो वेटिंग मोड में चला जाता है तो वहां पर भी तो बैठने के लिए कुछ चाहिए। जैसे हम लोग कहीं किसी चीज कहीं जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ ही जाते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपका नंबर आएगा तभी ना आप डॉक्टर चेंबर में जाइएगा, नहीं तो आप वेटिंग हॉल में, आप वहां पे वेट करेंगे, चेयर पे बैठोगे ना। उसी तरह से अगर सीपीयू के पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पहले से ही परफॉर्म हो रहा है तो आप वेटिंग मोड में रहेंगे, और जिस क्यू में आप बैठेंगे उसको वेटिंग क्यू कहते हैं या डिवाइस क्यू कहते हैं, राइट? यस, ठीक है। और अब आइए देखो, यहाँ एक एक करके सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है। जॉब क्यू किसको कहते हैं, ठीक है, दोज प्रोसेस that enter the system for execution, उस प्रोसेस को, यहाँ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जो आगे हम समझाएंगे, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में अभी फोकस मत करना, अभी जॉब क्यू जानो तब मैं बताऊंगा कि जॉब क्यू में किस तरह का शेड्यूलर काम करता है। अभी तो केवल हम ये ना बताए हैं कि शेड्यूलर क्या होता है, प्रोसेस प्रोसेस को क्यू से सिलेक्ट करके सीपीयू के पास सबमिट करता है, यही काम होता है ना शेड्यूलर का।
यस सर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जॉब क्यू में कौन सा शेड्यूलर काम करता है, वो तभी बताएंगे जब आप क्या काम, जब आप क्या करोगे, शेड्यूलर का टाइप पढ़ोगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ शेड्यूलर होगा, तब फिर मैं वहां पे बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पे काम करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ पे काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ पे काम करता है। पहले जॉब क्यू को देखो, दोज प्रोसेस दैट इंटर द सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम में इंटर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉब क्यू। जॉब क्यू, जॉब क्यू कहने का मतलब यहाँ पर हो गया एडमिशन क्यू, इनपुट क्यू। आप डॉक्टर के पास जाते हो, ध्यान दो, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या तुम डायरेक्ट वेटिंग मोड में चले जाते हो, बताओ? नहीं, सबसे पहले आप रिसेप्शन पे जाते हैं, आप वहां पे नंबर लगाते हो, तब बोला जाता है कि आपको अभी एक घंटा समय लगेगा, इसके पहले 10 पेशेंट है, राइट? यस सर। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डायरेक्ट आप वेटिंग मोड में नहीं ना चले जाते हैं? नो सर। ठीक है, पहले आप रिसेप्शन काउंटर पे जाते हो, वहां पे जो कंपाउंडर होते हैं उनसे तुम नंबर लगवाते हो, उसके बाद फिर बोला जाता है कि आप बैठ जाइए, तब आप वेटिंग मोड में जाते हो, राइट? यस सर। तो यानी एडमिशन, यानी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए एडमिशन, ठीक है, तो एडमिशन होना, तो वही चीज है यहाँ पे जॉब क्यू, तो उस प्रोसेस को जॉब क्यू में जाता है जो जिसको एग्जीक्यूट कराना है। दिस क्यू इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। आपका फिर से रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा क्लियर, रिपीट कीजिए। वार्निंग क्यू सर। फिर से बोलो एक बार। बोल रहा डॉक्टर से दिखवाना होगा, डॉक्टर के पास जाएगा ही, क्लियर है? तो जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है वो प्रोसेस सिस्टम में जाएगा ही, ठीक है। दिस क्यू इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। वो क्यू कहाँ स्टोर रहता है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क, वो यानी स्टार्टिंग में जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस रहेगा, नंबर ऑफ प्रोसेस रहेगा, वो आपके हार्ड डिस्क में रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब है रेडी क्यू। इन दिस क्यू प्रोसेस आर स्टोर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। इसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्यू में स्टोर किया जाता है। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, जो प्रोसेस क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, मेमोरी अब एलोकेट करना है, अब उसको क्या करना है, मेमोरी एलोकेट करना है, अब वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, रेडी है। तो उस तरह का प्रोसेस कहाँ जाता है? रेडी क्यू में जाता है, रेडी क्यू में। और मैंने बताया था रेडी क्यू कहाँ होगा? मेन मेमोरी में। रेडी क्यू कहाँ होगा? मेन मेमोरी में, क्योंकि जानते हो ना कि कोई भी प्रोसेस तभी एग्जीक्यूट करता है जब वो मेन मेमोरी को यूज करेगा। Yes, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी प्रोसेस तभी एग्जीक्यूट करेगा जब वो मेन मेमोरी को क्या करेगा, यूज करेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या काम करता है, रेडी क्यू काम करता है। ठीक है सर, जॉब क्यू जो है सर वो न्यू स्टेट में रहता होगा सर। हाँ, न्यू स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। और रेडी सर रेडी स्टेट में। हाँ, रेडी क्यू आपका किस में रहेगा? मेन मेमोरी में। ठीक है, अब सर हम स्टेट के बारे में बोल रहे हैं सर। हाँ, प्रोसेस स्टेट के बारे में। डिवाइस क्यू वेटिंग क्यू। इन दिस क्यू इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ प्रोसेस इज स्टोर्ड। दिस क्यू इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। ये भी मेन मेमोरी में ही रहता है। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज स्टोर्ड हु इज इन वेटिंग मोड। उस प्रोसेस डिवाइस क्यू में जाता है जो ऑलरेडी पहले किस मोड में रहता है, वेटिंग मोड में। पहले से कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पहले से कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो शेड्यूलर उसको कहां भेज देगा, डिवाइस क्यू में भेज देगा, यानी वेटिंग क्यू में भेज देगा। ठीक है, एडमिशन होने के बाद, मतलब वेटिंग मोड में आप चले गए तो एनी हाउ, जैसे मान लो कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है,
और आपको नंबर मिल जाता है तो आप वेटिंग मोड में आप आ गए, तो वेटिंग मोड में आएंगे तो डॉक्टर तो आपको एनी हाउ आपको देखेंगे ही। बात को समझो, अगर स्टार्टिंग में अगर तुम डॉक्टर के पास गए, अगर आपका एडमिशन हुआ ही नहीं, बोला गया कि नहीं अब इतना नंबर लग गया अब दूसरे दिन आइए, तो आप वहां से आपको क्या, आप वहां से चले आइएगा, तब तो आप वेटिंग मोड में नहीं जाइएगा, नहीं ना जाओगे। ठीक है सर, तो एग्जैक्ट वही रियल लाइफ एग्जाम्पल पे सोचो, रियल लाइफ एग्जाम्पल पे सोचो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। अगर आपको बोल दिया गया कि आपका नंबर लग गया है तो आप वेटिंग मोड में रहिए, ठीक है, तो वही चीज है, वेटिंग मोड में हम आ गए, तो वेटिंग मोड में वही प्रोसेस जाता है, ठीक है, स्टोर रहता है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते रहता है, वेट करते रहता है। जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, फिर वो वेटिंग स्टेट से कहां जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा, और रेडी क्यू से सीपीयू के पास क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। वेटिंग में जो प्रोसेस रहता है सर, तो मेमोरी एलोकेट किया हुआ रहता है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेडी क्यू में ही मेमोरी एलोकेट हो जाता है, रेडी क्यू में ही मेमोरी क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है, तो रेडी क्यू से ही ना वेटिंग मोड में आएगा। यस सर, नहीं सर उसको फिर डीलोकेट नहीं करता सर वेटिंग में जाने के बाद? नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो डिवाइस क्यू तक हम लोग समझ गए। ये पिक्चर तभी आपको समझ में आएगा, ये फिगर तभी समझ में आएगा जब मैं आपको शेड्यूलर बताऊंगा, जब मैं आपको क्या बताऊंगा, शेड्यूलर। तो शेड्यूलर, हाँ शेड्यूलर का टाइप बताएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इतना तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, डिवाइस क्यू तक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए अब अटेंडेंस बना लेते हैं। Okay, sir.